अच्छा, उसके बाद अगली चीज है कि एटमाइज हो गया, फिर आयनाइज करना है। तो डेटा बकेट में आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई है, बैरियम के 2+ आयंस बना दो, तो इट्स गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो कि टेबल में नहीं गिवन, वो उधर से कैलकुलेट करना है डेटा बुकलेट से। तो दिस इज नॉट प्रोवाइडेड। फिर सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज गिवन है, वो जो इलेक्ट्रॉन उससे लूज किए बैरियम 2+ ने, वो इलेक्ट्रॉन सल्फर को गेन करने चाहिए। तो दिस वुड बी द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ सल्फर। और लास्ट और 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सल्फर को सल्फर से 2- बनाना है। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो कि दोनों यहाँ पे गिवन है, यू आर गिवन बोथ ऑफ देम। अच्छा, बोथ ऑफ देम आर प्रोवाइडेड। और लास्ट स्टेप है लैटिस एनर्जी, ठीक है, दैट्स अ वेरी लास्ट स्टेप। तो वो लैटिस एनर्जी, तो ये सारी वैल्यू तो गिवन है, और फिर आपने करना था कैलकुलेट करना था इसकी एंथैल्पी चेंज। Just one second. अच्छा, फिर कैलकुलेट करना था एंथैल्पी चेंज, तो यू गोइंग टू डू दैट। अब नेक्स्ट इज के हमने कितने पास पेपर्स किए, हमने मेरे ख्याल से काफी एक दो पास पेपर्स किए, मैं वर्कशीट दे दूंगा जिसके अंदर सारे क्वेश्चन होंगे वो अप्रॉक्सिमेटली सेम होंगे, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, वही बॉन्डेबल साइकिल, वही चीज कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोइंग टू स्टडी इज, ये क्लियर है ना सारों को, बॉन्डेबल साइकिल? रोहन क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर क्या क्लियर है? जी सर। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। यस Rabab. Did you check my work? No, I didn't see it right now. Because I drew it a little differently. Let me quickly. I can quickly, just 1 second. 1 second, and I'll just have a look. Harun, tumhari assignment nahi aayi bhi. Rabab, what's the name that you're using? Cloud. ठीक है। हाँ ठीक है, electron affinity -2, ठीक है, that's fine. अच्छा, moving on. ये बल्कि पता नहीं, did I tell you? I think I probably did not tell you. ठीक है, the way Rabab has drawn it. Sometimes what you'll be asked to do is के उन्होंने ना, they might be, मतलब if they have not given you an energy access, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो जैसा मर्जी draw करो. But sometimes उन्होंने ना साथ में ना, they would be giving you an energy access, जिसमें ऊपर जाना ना, मतलब जो same जो हमने अभी head cycle draw किया ना, तो वो एनर्जी एक्सेस के साथ ना ड्रॉ करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल ये जो स्टेप्स है ना, एटमाइजेशन है जिसना, मतलब इट्स एग्जैक्टली द सेम साइकिल, कोई डिफरेंस नहीं है। एटमाइजेशन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि आप बॉन्ड्स तोड़ रहे हो, तो ये पहले दो पार्ट्स जो है ना एंडोथर्मिक है। तो अगर आप एनर्जी एक्सेस के साथ अगर ड्रॉ कर रहे हो ना, उसको स्केच कर रहे हो, तो ऊपर जाना, दैट्स एंडोथर्मिक। तो आप यू स्टार्ट ऑफ एट बैरियम सॉलिड प्लस सल्फर, सॉलिड से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये मैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया। अब फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ बैरियम है, तो वो एंडोथर्मिक है, तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको ना बस वो एरोस की डायरेक्शन ना ऊपर और नीचे करनी पड़ेगी, ताकि वो एनर्जी के एक्सेस को ना फॉलो कर सको। वरना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये एनर्जी का एक्सेस गिवन भी नहीं होगा आपसे, सिंपली वो लैटिस, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यू नॉट इवन आस्क्ड टू ड्रॉ द लैटिस, ये जो बॉन्डेबल साइकिल है, तो यू कैन जस्ट ड्रॉ अ साइक्लिक, पूरी एक वो साइकिल, थर्मो साइकिल ड्रॉ कर लो। लेकिन इफ एन एनर्जी एक्सेस इज गिवन, तो बैरियम को एटमाइज करना एंडोथर्मिक है, तो एरो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगले स्टेप में आपने ऊपर क्या किया था, ऊपर वाली उसमें आपने किया था कि इसको एटमाइज किया था सल्फर को, तो वो एरो भी बैरियम गैशेस उधर का उधर ही है, सल्फर बिकम्स गैशेस। सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ
सल्फर. तो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज वर एंडोथर्मिक, तो वो जो एरो की डायरेक्शन है ना वो ऊपर की तरफ जा रही है. देन यू हैव, उसके बाद क्या था, एटमाइज करने के बाद यू डिड आयनाइजेशन एनर्जी, ये वाला पार्ट था. तो आयनाइजेशन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक, तो दैट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक. तो इस पूरी चीज को अच्छा, इस पूरी चीज को इट्स एंडोथर्मिक, तो इसको और ऊपर की डायरेक्शन के अंदर आप लेके जाओगे, ठीक है. इट्स गोइंग टू बी बैरियम 2 प्लस, गैसियस आयंस बन गए प्लस, लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सल्फर एज इट इज. फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाता है, मतलब उसी डायग्राम को देखो तो आफ्टर आयनाइजेशन देयर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द एटम इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है दैट्स एक्सोथर्मिक, यहां पे अगर टेबल देखो दैट्स एक्सोथर्मिक, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है. और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एंडोथर्मिक. तो आपका जो एरो होगा ना वो पहले नीचे जाएगा, मतलब इसके बाद, अच्छा पहले तो नीचे जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. तो बैरियम 2 प्लस जो है, अगर मैं स्टेप वाइज इसको ब्रेक करूं, तो सल्फर जो है दैट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, तो द एरो इज गोइंग टू पॉइंट डाउनवर्ड्स क्योंकि ये वाला स्टेप जो था ना वो एक्सोथर्मिक था, एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो एरो नीचे की तरफ आएगा. सेकंड इलेक्ट्रॉन जब सल्फर गेन कर रहा था दैट वाज एंडोथर्मिक, प्लस 640 दिया हुआ है. तो बैरियम 2 प्लस हो गया, अब वो सल्फर ने वो जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो भी गेन कर लिया. अच्छा उसी साइकिल को देखो, उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद लैटिस एनर्जी थी. लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है, हमेशा एक्सोथर्मिक होती है. तो यहाँ से फिर इट लॉस्ट एनर्जी, दिस इज लैटिस एनर्जी. तो सिंपली वही साइकिल है, एक्सेप्ट कि आपने ना वो एरोज को फॉलो करना है. एरोज वुड बी गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. यू वुडंट बी हैविंग एन एनर्जी एक्सेस, कोई एनर्जी एक्सेस नहीं होगा. तो यू कैन ड्रॉ अ बॉन्ड एवर साइकिल इन एनी डायरेक्शन, बस एक साइकिल बना लो. अगर तो एनर्जी एक्सेस गिवन है तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक वाले पार्ट्स वो सारे ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे, एक्सोथर्मिक वाले एरोज होंगे वो नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे. अच्छा लास्ट स्टेप होगा कि लैटिस एनर्जी में क्या, यस हाँ वो तो ये टेबल के अंदर गिवन है ना, ये टेबल देखो ना, इसके अंदर सारी वैल्यूज गिवन है, कौन सी एक्सो है कौन सी. हाँ वैल्यूज देख के कर लो ना, या वैसे वो याद ही कर लो कि एटमाइजेशन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, आयनाइजेशन एंडोथर्मिक, तो एरो ऊपर जाता रहेगा और जैसे वो एक्सो होगा तो वो फिर अच्छा जैसी एरो नीचे पॉइंट करने लगेगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है. मतलब सेम साइकिल होगी, एग्जैक्टली सेम साइकिल, कोई फर्क नहीं है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी आस्क्ड टू डू दैट, कुछ क्वेश्चंस में यू विल बी आस्क्ड टू डू दैट. ये क्या लास्ट स्टेप क्या था जो इनको कनेक्ट करना था, दैट वाज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के एलिमेंट्स फॉर्मिंग द आयनिक लैटिस. तो ये डेल्टा एच एफ था, तो ऊपर देख लेना उसने वैल्यू दी हुई होगी, ये एंडो या एक्सो, ये वैल्यू चेंज हो सकती है. तो उसने टेबल में गिवन है, इसका एरो नीचे की तरफ जाना चाहिए था ऊपर की तरफ. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो फॉर्मेशन नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव का मतलब है कि एरो जो है ना वो नीचे की तरफ पॉइंट होना चाहिए था, नीचे की तरफ ही हो रहा है. इसको बल्कि ड्रैग करके और नीचे ले आते हैं, तो दिस एरो इज गोइंग डाउनवर्ड्स. तो आपकी वही सेम साइकिल है, एग्जैक्टली सेम साइकिल है, कोई फर्क नहीं है, बस वो ऊपर नीचे आप जा रही है. एग्जैक्टली सेम साइकिल, ऊपर जा रहे हो तो एंडोथर्मिक है, फिर नीचे आए तो एक्सोथर्मिक, एक एरो एक्सोथर्मिक तो नीचे पॉइंट कर रहा है, फिर दोबारा एंडोथर्मिक है तो एरो ऊपर पॉइंट कर रहा है, दोबारा एक्सोथर्मिक है तो एरो नीचे पॉइंट कर रहा है, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ ड्रॉइंग इट, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ. एक बल्कि इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है. एक इसका इसी तरह का क्वेश्चन ये वर्कशीट से कर लेते हैं, लैटिस एनर्जी का, इसमें ये इसी के नीचे. तो दिस सेम है साइकिल, अभी बनी बनाई आपको मिली हुई है. अच्छा दिस है साइकिल ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड फॉर यू, ये सोडियम ऑक्साइड की है साइकिल है. तो इसमें अगर लुक केयरफुली, ये वो पॉइंट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसे लेबलिंग करने को कहा था कि उसने ऐसी साइकिल बना दी थी और ये एनर्जी एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है. ऊपर जा रहे हो तो एंडोथर्मिक, नीचे आ रहे हो तो एक्सोथर्मिक. तो ये एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ सॉलिड आयनिक लैटिस, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है. कोई भी सब्सटेंस अपने एलिमेंट से बनेगा तो दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन. फिर वो ये कह रहा था कि इसको उसे लेबल किया हुआ इस एरो को एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम. तो सोडियम को एटमाइज कर दो तो ए क्या होगा, दो सोडियम के सॉलिड एटम्स है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, दो सोडियम के गैसियस एटम्स होंगे, ठीक है.
अगले स्टेप के अंदर उसने सोडियम को आयनाइज कर दिया, सोडियम लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम आयंस बन गए, तो ये वन क्या होगा? दिस वुड बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लेके इनटू टू, क्योंकि यू हैव टू सोडियम्स, ठीक है। अगले स्टेप पे वो ऑक्सीजन को एटमाइज कर रहा है, तो हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पे बी क्या होगा? ऑक्सीजन का गैसियस एटम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन बिकम्स 2 माइनस, जिसका मतलब है कि मतलब सोडियम को तो कुछ नहीं हुआ, ऑक्सीजन बिकेम 2 माइनस, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन प्लस द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए ना, 1 माइनस सॉरी, यानी फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। फिर वो गैसियस आयंस फॉर्म हो गए, दे एंडेड अप फॉर्मिंग अ बॉन्ड टू फॉर्म दिस सॉलिड आयोनिक लैटिस, तो ये क्या है? दिस इज लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये दिस इज एग्जैक्टली द सेम है साइकिल, बस वो एरोज ऊपर नीचे पॉइंट किए हुए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही था कि आपको बस लेबल करना था कि कौन सा पाथ, वो सारा उसने ए बी सी डी 1 2 3 4 उनको लेबल करने को कहा है, तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। अगले स्टेप पे प्रॉब्लम उसने वैल्यूज दी हुई होंगी और एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं। ये मैं वर्कशीट असाइनमेंट के तौर पर आई विल गिव दिस आफ्टर क्लास, ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस। Moving on, there's a thing called standard enthalpy of solution. ये एक और बहुत छोटी सी ना है साइकिल है, which we're going to study. अब इस पहले तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी चेंज होना चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा एच, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वर्ड्स में पहले एक्सप्लेन कर दूं कि वैसे एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट हैपेंस इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, कि आपके पास एक मोल कंपाउंड है कोई भी, फॉर एग्जाम्पल NaCl, उसको बस पानी में मिक्स किया और वो डिजोल्व हो गया और उसने सोडियम आयंस और Cl आयंस एक्वस स्टेट के अंदर प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड डिजोल्व होता है तो वो हमेशा डिसोसिएट होता है, दिस हैज टू बी वन मोल। नाउ व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, कि जब भी आपने एक मोल कोई भी सब्सटेंस एनी सब्सटेंस, इट कुड बी आयनिक, इट कुड बी कोवलेंट, इट कुड बी एनी सब्सटेंस, इफ इट डिजोल्व इन वाटर, तो जो एनर्जी चेंज एसोसिएटेड होती है दैट वुड बी कॉल्ड द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगी ना, दैट वुड बी कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। नाउ इट कुड बी फॉर कोवलेंट, इट कुड बी फॉर आयनिक कंपाउंड्स, लेकिन हम जो है ना वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर आयनिक कंपाउंड्स ओनली, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डेल्टा एच सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, और डेल्टा एच सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर लें कि डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है, इफ इट्स एंडोथर्मिक, इट कुड बी एंडोथर्मिक, इट कुड बी एक्सोथर्मिक, जब भी आप कोई सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हो ना वन मोल, तो दिस कैन बी एंडोथर्मिक, अगर तो एंडोथर्मिक है इसका मतलब है इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सॉल्युबल, स्पेशली एट लो टेम्परेचर्स। अच्छा रीजन इट्स नॉट वेरी सॉल्युबल एट लो टेम्परेचर्स इज क्योंकि वो एंडोथर्मिक है, उसको एनर्जी चाहिए, जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो डिजॉल्व नहीं होगा, तो इट नीड्स सम एनर्जी टू डिजॉल्व, तो आपको उसको हीट करना पड़ेगा तब वो डिजॉल्व होगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सॉल्युबल एट लो टेम्परेचर्स। वाइस वर्सा अगर ये एक्सोथर्मिक है, so that means it's going to be more soluble, more likely to dissolve, because isko energy nahi chahiye, especially at low temperatures. So it doesn't need energy to dissolve. Acha, it doesn't need energy to dissolve. So pehle to ye do baatein na yaad rakh lena, this is अच्छा दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये क्लियर है। अब उससे आगे मूव करते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिसॉल्व एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस हम जैसे NaCl को डिसॉल्व किया ना,
अब ये जो वैल्यू है दिस कुड बी एंडोथर्मिक, दिस कुड बी एक्सोथर्मिक. नाउ NaCl इज वेरी सॉल्युबल, इसका मतलब उसको कोई ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, आपको उसको हीट नहीं करना पड़ता. तो NaCl की जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन होगी दैट वुड मोस्ट लाइकली बी नॉट वेरी एंडोथर्मिक, उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी. अच्छा, द अदर थिंग इज के अब आयनिक क्रिस्टल को डिसॉल्व करने का प्रोसेस पहले देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू डिसॉल्व एन आयनिक कंपाउंड. अब NaCl का जो लैटिस है उसके अंदर क्या होता है, यू हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑल अट्रैक्टेड ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड्स. तो दिस इज, अच्छा दिस इज अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. Forming a crystal. तो आपका ना ये क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है NaCl का. अच्छा, पहला काम क्या करोगे कि आप इसको पानी के अंदर मिक्स करने जा रहे हो. Now to mix it in water, what you're going to do is कि अच्छा what you're going to do is कि आप ना पहले तो water बीच में ले आते हैं. अच्छा, the first thing that you're going to do is कि आप इस क्रिस्टल को ना vigorously stir करोगे. What's the purpose of vigorously stirring this crystal? The main purpose is कि जब आप ये क्रिस्टल को ना विगस्ती स्टर करोगे तो ये आयंस जो है ना ये डिसोसिएट होंगे, आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू. मैंने आपको जब NaCl को आप पानी के अंदर मिक्स करते हो, व्हाई डू यू नीड टू स्टर इट, बीच में चम्मच डाल के उसको हिलाना क्यों पड़ता है, ताकि इसके जो आयंस है ना दे सॉर्ट ऑफ डिसोसिएट, दे ब्रेक अवे, दैट्स द फर्स्ट थिंग. तो Na+1 टूट के अलग हो जाएगा, Cl-1 टूट के, ऑल दीज आयंस दे वुड डिसोसिएट एंड दे वुड बिकम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप. तो इधर लिख लेते हैं स्टेप 1. Step one is breaking the lattice. उसको अगर पानी में मिक्स करना है तो उनके जो आयनिक बॉन्ड्स हैं, break the lattice, break the ionic bonds. तो वो जो क्रिस्टल है ना उसके अंदर सारे आयनिक बॉन्ड्स आप तोड़ोगे. अच्छा, but sometimes what happens is those ionic bonds are very strong. जैसा marble है, marble is an ionic compound as well. Calcium ions है और carbonate ions है. तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड है, यू कांट, मतलब मार्बल का पीस अगर पानी में डालोगे और चम्मच से लाने की कोशिश करोगे, मार्बल का पीस जो है वो नहीं टूटेगा, उसके आयंस जो है ना वो इस तरीके से डिसोसिएट नहीं होंगे. तो मार्बल के पीस को डिसॉल्व करना, इट्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ताकि आप वो मार्बल के पीस को ना क्रश कर सको, क्योंकि तो ये यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, सम आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, या आयनिक लैटिसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ये हमने लैटिस एनर्जी में पढ़ा भी था कि किस पे डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है. तो सम आयनिक लैटिसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एग्जांपल में वही कैल्शियम कार्बोनेट कर लेते हैं. तो एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल, तो दे वेरी स्ट्रॉन्ग एंड जो स्ट्रेंथ है ना डिपेंड्स ऑन, अच्छा डिपेंड ऑन चार्ज डेंसिटी, कि चार्ज अगर जितना ज्यादा होगा ना आयंस के बीच में उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी. NaCl इसलिए आराम से टूट जाता है जब आप स्पून हिलाते हो और पानी के अंदर मिक्स करते हो. द रीजन द क्रिस्टल डिसोसिएट्स एंड ब्रेक्स वेरी वेरी इजीली इज कि वो बहुत ही वीक क्रिस्टल है. पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन के अंदर ना अट्रैक्शन जो है ना वो बहुत ही कम है. ठीक है, सो देयर इज हार्डली एनी अट्रैक्शन बिटवीन +1 एंड -1. लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, +2 और -2 के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो आप खाली मार्बल के पीस को ना, मतलब जब स्पून से ना, यू कांट जस्ट स्टर इट एंड एक्सपेक्ट कि उसका लैटिस टूट जाए. NaCl का स्पून हिलाने से ना लैटिस टूट जाता है. अच्छा, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज कि एज सून एज द लैटिस ब्रेक्स द वाटर मॉलिक्यूल्स कम इन एंड दे स्टार्ट सराउंडिंग दीज, अच्छा दे स्टार्ट सराउंडिंग दीज आयंस. तो वो अगला स्टेप है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कम इन वाटर मॉलिक्यूल्स कम इन एंड दे स्टार्ट, तो ये बाकी भी ड्रॉ कर लेते हैं. अच्छा, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप. अच्छा, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स याद है, क्लियर है ना सारों को? ठीक है, सारे कैमरा ऑन कर लो. तो अच्छा, दिस वन, अब अगले स्टेप पे जाने कि हमने लैटिस तो तोड़ दिया, वो स्पून हिलाई और NaCl का लैटिस, ऑल द आयंस डिसोसिएटेड. नाउ द थिंग इज कि जो आयंस होते हैं ना, दे जस्ट नॉट, ये पानी के साथ वैसे ही मिक्स नहीं हुए हुए. व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज कि ये पानी को अट्रैक्ट करके उसके साथ
बॉन्ड कर रहे हैं. व्हाट रिमेंबर इट्स अ पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन है जिस तरह. तो सोडियम आयन ने अपना लैटिस उसका टूट गया एंड इट हैज मिक्स्ड इन वाटर. वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल में ना ऑक्सीजन जो होता है ना दैट्स पार्शियल नेगेटिव. तो यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल है और उसमें भी ऑक्सीजन जो है दैट्स पार्शियल नेगेटिव. तो ये जो सोडियम आयन है ना दे विल बी अट्रैक्टेड टू दीज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे विल अट्रैक्ट. ऑक्सीजन के पास वो फालतू के इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं लोन पेयर्स जिन्हें कहते हैं. तो दीज लोन पेयर्स आर गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टू दिस पॉजिटिव आयन. ये हम बहुत डिटेल में आगे जाके ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर पढ़ेंगे. ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आयन्स होते हैं. तो रिमेंबर के दिस सोडियम आयन इज जस्ट नॉट रोमिंग अराउंड और सराउंडेड बाय वाटर, इट्स एक्चुअली बॉन्डेड टू वाटर. वाटर मॉलिक्यूल्स आके हर डायरेक्शन से इसके साथ आके स्टिक कर रहे होंगे क्योंकि इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होगा दैट विल बी वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव आयन. तो हर साइड से ना, एक सामने से, एक बैक साइड से, एवरी साइड वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी स्टिकिंग टू इट. तो स्टेप टू, व्हाट इज स्टेप टू? स्टेप टू इज कि गैसेस आयंस. अच्छा मैं इनको गैसेस इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमने उसका लैटिस तोड़ा था ना स्पून से, मतलब हमने उसे शेक किया था और द होल लैटिस ब्रोक अवे. तो फॉर अ वेरी माइनर टेम्पररी इंसिडेंट बीच में ना सोडियम आयंस वुड नॉट बी बॉन्डेड टू एनीथिंग. व्हेन समथिंग इज नॉट बॉन्डेड टू एनीथिंग तो वो गैसेस स्टेट होती है. लेकिन इमीडिएटली क्या होता है, दे अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे स्टार्ट बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स. मतलब पहले सोडियम आयंस सी आयंस के साथ अट्रैक्ट हुआ था, जब आपने स्पून के साथ उसको विगरसली स्टर किया तो सोडियम आयंस टूट के अलग हो गए. तो बीच में फॉर अ वेरी माइनर टेम्पररी इंसिडेंट सोडियम इज नॉट बॉन्डेड टू एनीथिंग. तो इसलिए मैं उनको गैसेस आयंस कह रहा हूं. तो गैसेस आयंस इमीडिएटली attract polar water molecules and form new bonds. This is known as enthalpy change of hydration. So this is known as delta H. इसको delta H hydration कहते हैं. Step 2. Delta H hydration की definition ये थी. अच्छा डेल्टा एच हाइड्रेशन की डेफिनेशन ये थी कि वन मोल गैसेस आयंस या सिंपली गैसेस आयंस चेंज इनटू एक्वस आयंस. और वो जो पहला स्टेप है ना दैट इज नोन एज नेगेटिव ऑफ लैटिस एनर्जी. इसको थोड़ा सा जो स्टेप वन था ना, स्टेप वन में आपने क्या किया था, स्टेप वन के अंदर आपने बॉन्ड्स तोड़े थे, लैटिस तोड़ा था. So that is by definition the negative of lattice energy. क्योंकि lattice energy में होता था कि आप bond form करते थे, gaseous ions मिलके ionic lattice बनाते थे. इसके अंदर it's negative of lattice energy because you're breaking the lattice. तो I'll just sum this up now कि जब भी किसी भी ionic compound को ना पानी में mix करना है, you're going to do two things. One is पहले उसके उसका lattice तोड़ो. ठीक है, अब वो स्टरिंग से होता है, जो मर्जी करो, ब्रेक द लैटिस. ठीक है, वंस द लैटिस इज ब्रोकन द आयंस विल आफ्टर अ वेरी बीच में वो टेंपरेरी इंस्टेंट के लिए दे विल बिकम गैसेस आयंस. दे कैन इमीडिएटली दे विल स्टार्ट सराउंड गेटिंग सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे विल स्टार्ट बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स. सो इमीडिएटली व्हाट वुड हैपन इज कि द गैसेस आयंस वुड स्टार्ट फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स. तो पहला स्टेप है डिसॉल्विंग का. स्टेप 1 ब्रेक द लैटिस, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव ऑफ लैटिस एनर्जी. एंड स्टेप 2 इज एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन व्हिच इज गैसेस आयंस चेंज इनटू aqueous ions. They start forming bonds with water. तो इसकी मैं एक cycle draw कर लेता हूँ. अब तो ये cycle हम next class में discuss करते हैं, which is इसी को ना एक cycle में represent कर लेते हैं. NaCl को dissolve कर रहे थे. अगर एक ही go में उसको लिखोगे, तो that would be called enthalpy change of solution. तो ये हमने पहले भी लिखा था, this is enthalpy change of solution. कि NaCl ended up getting dissolved. It ended up getting dissolved. उसके दो स्टेप्स थे. पहला स्टेप था कि वहां से उसको रिजॉल्व करने का. पहला स्टेप है कि लैटिस तोड़ो. That's negative of lattice energy. तो Na plus one और Cl minus one को अलग अलग कर लो. They will become gaseous ions. उनके पुराने ionic bonds form कर लो. फिर immediately what would happen is कि जैसे ions अलग होंगे आपकी stirring की वजह से, they would change into gaseous ions. They would mix with water and they would end up forming aqueous ions. So this would be called the enthalpy change of hydration. तो ये आपकी ना है साइकिल एक छोटी सी कंप्लीट हो गई है, व्हिच इज रिलेटेड टू एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. इट्स ओनली लिमिटेड टू आयोनिक कंपाउंड्स. ये वाला स्टेप, पहला वाला स्टेप दैट्स एंडोथर्मिक.
और जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एक्सोथर्मिक. तो एक स्टेप आपका एंडो है. एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. और ये एंडो क्यों है? क्योंकि बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन. इस नेगेटिव साइन पे ना जाना, क्योंकि नेगेटिव साइन डेफिनेशन वाइज नेगेटिव है. क्योंकि लैटिस एनर्जी होता था कि गैसियस आयंस मिलके आयोनिक लैटिस फॉर्म करते थे. तो हमारा एरो क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसने वो नेगेटिव साइन लगाया है. लेकिन ये वैल्यू जो होगी एक्चुअली एंडोथर्मिक होगी, इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव. और इसको आप इक्वेट कर सकते हो. व्हाट यू कैन डू इज कि वन पाथ इज इक्वल टू द अदर पाथ. इफ यू डू दैट तो आपके पास एक रिलेशनशिप आ जाएगी एंथैल्पी चेंजेस की, व्हिच इज गोइंग टू बी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन. तो यहां से हम फिर कल डिस्कस करते हैं. बस मैं क्विकली, जस्ट वेरी क्विकली, ये किसी को भी क्वेश्चन है वो पूछ ले अभी. अच्छा ये बस एक सेकंड, जस्ट लेट मी गो थ्रू योर खदीजा प्रेजेंट आप सुनो गया बस ठीक है. अटेंडेंस में आप लोगों की मार्क कर लेता हूँ. अच्छा एनी क्वेश्चंस? रोहन क्लियर है सब कुछ अभी तक? यस सर. चलो ठीक है, फिर कल क्लास होती है. ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.